गाइस तो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई के किले पर इस समय आ गए हैं और ये देखिए इसका मुख्य एंट्रेंस यहाँ पे है। और गाइस बहुत गर्मी है, पसीना माथे से टपक रहा है लेकिन फिर भी अब चीजें खुद भी देखनी है और आपको भी दिखाना है तो थोड़ा पसीना तो बहाना ही पड़ेगा। तो आप बने रहे गाइस, लेके चलते हैं अंदर। थोड़ा सा ये बहुत अच्छा पेड़ था यहाँ पे, ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे, तो थोड़ा पसीना सुखा ले, इसके बाद आगे चलते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं और क्या क्या है। तो दोस्तों हम लोग ये देखिए किले के अंदर आ चुके हैं और ये है किले के अंदर का दृश्य। एक बार आप देखिए चारों तरफ, आपको एक बार दिखाएं फिर और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये देखिए मुख्य एंट्रेंस से हम लोग अंदर आए, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, और अंदर आने के बाद ये पूरा नज़ारा है यहाँ के अंदर का। और ये यहाँ से आगे जाने का है रास्ता और कुछ, चलिए आगे चल के देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग इस समय महल प्रांगण में आ चुके हैं और ये आप एक बार दृश्य देख लें महल प्रांगण का, और चारों तरफ एक बार दृश्य देखें। पीछे बहुत अच्छी देशभक्ति के गाने चल रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन और बाकी रह गया है। तो गाइस मैं फिर एक बार रिपीट करूंगा, इस पूरे इतिहास का, पूरे हिस्ट्री का डिटेल आपको अगर जानना हो और देखना हो और इसके विषय में पूरी तरीके से आपको जानकारी लेनी हो तो हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उसको प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, जो टाइम ट्रैवलर के नाम से है और उसमें ये झांसी का रानी लक्ष्मीबाई की डिटेल आपको मिलेगी। वैसे तो कई एक कार्यक्रम उसमें हैं अच्छे अच्छे जो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन बेसिक इससे रिलेटेड, इस ब्लॉग से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपको वहाँ पे मिलेगी देखने को। तो प्लीज़ देखिएगा और इतिहास को समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत आनंद आएगा। बने रहिए और चलते हैं, दिखाते हैं और क्या है यहाँ पे देखने जैसा, आपको भी दिखाते हैं खुद भी देखते हैं। गाइस तो हम लोग इस किले के एक साइड के दीवार पे हैं, जिस साइड ये पूरा झांसी सिटी आता है और इसके मुख्य मेन सेंटर पे ये किला बना हुआ है। तो गाइस अभी आप एक बार इस किले का चारों तरफ जो साइड की दीवार है वो देखें, और ये दीवार सब एक समय पे जो बनाई गई थी ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से बनाई गई थी। और आइए चलते हैं, आपको आगे और दिखाते हैं क्या क्या है। गाइस देशभक्ति के गाने बजते बजते प्यार मोहब्बत के गाने बजने लगे, अपने देश में यही खासियत है, कब देशभक्ति करने लगते हैं कब प्यार मोहब्बत करने लगते हैं कुछ पता नहीं चलता, और कब झगड़ा करने लगे वो भी नहीं पता चलता। तो गाइस ये देखिए ये गाइस रहा झांसी किला, रानी लक्ष्मीबाई का किला, और ये पूरा झांसी सिटी गाइस देखिए, ये पूरा झांसी शहर का नजारा। ये झांसी शहर का परिदृश्य है दोस्तों, ये देखिए चारों तरफ दिख रहा है, और ये किले का एंट्रेंस जिधर से हम लोगों ने एंट्री ली थी आप गौर से देखिएगा, तो सब दिखेगा आपको। ये देखिए गाइस ये है वो एंट्री गेट जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, और ये पूरा झांसी का किला। और देखिए गाइस ये पूरा झांसी सिटी चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। गाइस शोर बहुत हो रहा है इसलिए शायद मेरी आवाज ना समझ में आ रही हो। Thank you.
देखिए ये इस किले की कुछ विशेषता, यहाँ मुख्य जो द्वार है और आप बाहर से जब आपको मैंने दिखाया था तो मेन एंट्रेंस पे ऊपर की तरफ ये बना हुआ है जहाँ पे इस समय हम खड़े हैं, और ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ से चारों तरफ इस किले के चारों तरफ का हिसाब किताब दिख रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। देखिए ये पुराने आर्किटेक्चर कितने खास तरीके से डिजाइन किए जाते थे और कितने खास तरीके से बनाए जाते थे कि एक जगह पे बैठ के, अगर यहाँ सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बैठा रहा जाए, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, जरा सी गर्मी नहीं लग रही है, पहली चीज है। दूसरी बात यह है कि आप यहाँ से इस किले के चारों तरफ निगाह रख सकते हैं। ये देखिए बाहर से अंदर तक, बाहर से कौन आ रहा है अंदर कहाँ क्या हो रहा है, आप हर चीज पे निगाह रख सकते हैं। तो ये पुराने जमाने के जो आर्किटेक्चर थे ये बहुत विशेषता रखते थे। हम लोगों को जो है शायद ये लगता है कि आज के आर्किटेक्चर ज्यादा एडवांस्ड हैं, मगर नहीं दोस्तों, जब आप इसका रिसर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्किटेक्चर जो पुराने जमाने वाले थे वो आज से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे और कहीं ज्यादा सोच समझ के तैयार किए जाते थे। यही कारण है दोस्तों आज भी देखिए ये सब हजारों साल हो गए सब, लेकिन फिर भी जैसे तैसे जो कुछ आप देख रहे हैं ये एक दो दिन का नहीं है, सैकड़ों सालों का इतिहास समेटे हुए हैं सब अपने आप में। ये दीवारें, ये धरोहर, एक एक ईंटें, एक एक पत्थर, ये सैकड़ों साल का अपने साथ इतिहास समेटे हुए हैं, लेकिन आज भी जस के तस, आज भी वही जिंदगी, आज भी वही मजबूती, किसी चीज में किसी तरीके से आपको कमी नहीं दिख रही दोस्तों। तो कुछ तो खास था हमारे इस पौराणिक आर्किटेक्चर में। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं क्या है दिखाने लायक और आपको दिखाते हैं, अभी तो आपको फिलहाल यहाँ का दिखा ही दिया है। तो दोस्तों फिर से सुनिए, फिर से देशभक्ति चालू हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग देशभक्ति पे वापस लौट आते हैं, कम से कम भटक जाते हैं इधर, प्यार मोहब्बत में भटक जाते हैं, लड़ाई झगड़े में भटक जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम लोग देशभक्ति में वापस आ जाते हैं। तो हम लोग अभी फिर देशभक्ति में आ चुके हैं और आप देशभक्ति का गाना सुन रहे होंगे। वहां पे पीछे कुछ है दोस्तों, अभी चलते हैं देखने, तब तक आपको इधर सब दिखा दें फिर उधर का नंबर लगाया जाए। गाइस मैं पूरे प्रांगण में घूम रहा हूँ और एक चीज मुझे पूरे प्रांगण में दिखने में आ रही है, ये जो आप दीवारें देख रहे हैं ये देखिए पूरे किले की साइड साइड में इस तरीके की सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा का दीवार है, और दीवार के हर जगह पे हर कोने में ये सैनिकों के लिए, सैनिकों के लिए इस तरह से बनाया गया है ताकि वो निगरानी रख सकें। ये देखिए गौर से गाइस, ये देखिए ये पूरी तरीके से एकदम चारों तरफ हमेशा पैनी निगाह रहे और निगरानी रखी जा सके। ये देखिए इतनी चाक चौबंद व्यवस्था, इतनी बेहतरीन व्यवस्था। और गाइस एक खास बात है जो आपको भी मैं बता रहा हूँ, पहले आप एक बार देख लें चारों तरफ और फिर आपको मैं दिखाता हूँ। गाइस ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं ये देखिए, ये जहाँ लोग ज़्यादा जा रहे हैं आ रहे हैं, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वहाँ लोग ज़्यादा हैं इस समय। तो गाइस ये वो जगह है जहाँ से जब ब्रिटिशर्स ने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था चारों तरफ से, तो उन्होंने घोड़े के साथ इसी जगह से जम की थी। और ये चलते गाइस और देखते हैं क्या है। देखिए इस जगह को, ये देखने वाली जगह है।
कुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, वो लड़ी मर्दानी और कुछ हंसे वाली रानी थी। तो दोस्तों यही वह जगह है जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े के साथ जंप किया था जब अंग्रेजों ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया था। और ये जगह कितनी ऊंची है और कितनी खतरनाक है और कैसे कितनी हिम्मत थी उनके पास जो इतनी ऊंचाई से भी वो जंप कर गई, ये देखने और समझने वाली बातें हैं। ये देखिए, ये पूरा प्रांगण है और लक्ष्मीबाई ने नीचे जंप किया था। तो ये भी आपको मैं एक बार दिखाता चलूं। ये देखिए, इतनी ऊंचाई से ऐसी जगह से जंप करना, ये कहीं ना कहीं अपने मिट्टी को बचाने का जज्बा और एक बुलंद हौसले की कहानी है। तो इसका जो प्रोग्राम मैं डालूंगा उसको देखिएगा जरूर दोस्तों। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। तो गाइस, बिजली तोप के बगल से एक ये नीचे रास्ता गया है जो गणेश मंदिर वगैरह के लिए गया हुआ है। और यहाँ भी चलते थोड़ा सा देखते हैं क्या है गणेश मंदिर वगैरह। ये देखिए कोई मंदिर है, ये जस्ट किले के नीचे ही है। देखिए मंदिर वगैरह सब बने हुए हैं, गणेश मंदिर लिखा हुआ देखिए। और ये नीचे और भी रास्ता गया हुआ है, नीचे कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है आगे। ये अंदर आने के बाद जो हमें नज़ारे दिखे वो पीछे मैंने आपको दिखाया गणेश मंदिर वगैरह। और ये देखिए बड़ा सा गेट है किले का, ये मुझे लग रहा कोई मुख्य द्वार वगैरह है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे क्या है इसमें। दोस्तों जो गणेश मंदिर का एरिया है ये कुछ विशेष है। यहाँ पे जो हम लोग नीचे आए, पहले तो हम लोग सीधे ऊपर निकल गए किले की तरफ, लेकिन जब नीचे आके हम लोगों ने देखा तो बहुत कुछ खास चीज़ें यहाँ नजर आई। तो गैस कभी भी आइएगा तो इस एरिए को जरूर घूमिएगा, इस एरिए को जरूर देखिएगा। बिजली तोप है, इसके सामने से ही रास्ता है। गैस ये रानी लक्ष्मीबाई के किले का आखिरी सूट है हमारा। और आप देख सकते हैं इस समय हम लोग गणेश मंदिर का जो एरिया है उस साइड खड़े हैं। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, इतनी शानदार जगह बनी हुई है कि आनंद आ रहा है बैठ के यहाँ पे। लेकिन गाइज एक चीज बहुत दुखद है, आप ये दीवारों में देख रहे होंगे, ये देखिए, ये हमारे देश के वीर जवानों की कारस्तानी देखिए। सबके नाम, गांव, पते और पूरा एड्रेस, ऐसा लगता है जैसे पूरे कुनबे के उनके, किस कुल के हैं, किस खानदान के, सब कुछ लिख दिया है। ये देखिए सब कुछ एकदम साफ साफ लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप लोग। और हमारे देश के वीर जवान इस काम में बहुत माहिर हैं। आज तक कभी इसके लिए कुछ किया ना होगा कि भाई इसको पुरानी चीज़ों को बचाने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए भी कुछ कर दें, लेकिन इस काम में बहुत आगे हैं। देखिए ऐसा कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसा कोई पता नहीं इसमें बचा है जो लिखा ना हो। गौर से देखिएगा इस, ये है खासियत हमारे देश के नवयुवक की, मतलब गंध मचाने की प्रवृत्ति जो बनी हुई है वो छूट ही नहीं रही है। बहुत दुखद है गाइस। चलिए ले चलते हैं आपको और एक्सप्लोर करते हैं आगे ओरछा और चंदेरी, और भी आपको दिखाते हैं गाइस इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आप बने रहिएगा हमारे साथ गाइस। थैंक यू।